केवल परम सौभाग्यशाली के लिए है। यदि तुम्हारे आँखों के सामने यह संदेश आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका सीधा अर्थ है यूनिवर्स ने यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे प्रिय, कैसे हो तुम? मैं देख पा रहा हूँ कि तुम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस मार्ग पर काफ़ी आगे तक जाना है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही गुण रहस्य है। तुम्हारे एक सवाल का जवाब और तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान इसी वक्त तुम्हारे पास ही मौजूद है। पर यह सब जानने के लिए अपनी आंखें तुम्हें बंद करनी होगी। जब तुम अपनी आंतरिक एवं ब्रह्म ध्वनि को निरंतरित करके अपना ध्यान नेत्रों के बीच केंद्रित करोगे, तब तुम हर एक सवाल का जवाब जान पाओगे। यही महान रहस्य है, सभी ऋषि मुनि एवं गुरु जानते हैं। यदि आपको परमात्मा की शक्तियों पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करें। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि तुम विशेष हो। क्या तुम्हें इस बात पर अभी भी संदेह होता है? यदि तुम स्वयं को विशेष समझते हो तो 1111 अवश्य ही लिखिए। तुम्हारा मन निश्चल है, तुम दिव्य आत्मा हो। एक माली के लिए उसके बाग में उगाए सभी फूल बहुत ही विशेष होते हैं। एक फूल की तुलना भला दूसरे फूल से कैसे की जा सकती है? सबकी अपनी ही विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार मेरे द्वारा उत्पन्न संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष हैं। तो तुम एक ही तुलना दूसरे से क्यों करते हो? परमात्मा की भक्ति के रस में भींगने के लिए लिखे हरे कृष्ण हरे रामा। समय का चक्र अति बलवान है, यह सभी को घाव भर देता है। तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में ना लगाकर स्वयं की उत्पत्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रिय, अब तुम एक नए दशक में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से उत्पत्ति की ओर ले जाएगा। यदि आपको परमात्मा की योजना पर विश्वास है तो 555 लिखे। इस मार्ग में तुम्हें कई परीक्षाएं भी देनी होगी, पर तुम अपना संयम बनाए रखना। हर पड़ाव पर मिलने वाली कठिनाइयां ही तुम्हें अधिक मजबूत बनाती जाएंगी। जब प्रार्थना करते वक्त अचानक कोई तुम्हारा नाम पुकारता है, तब वह मेरी उपस्थिति को दर्ज करवाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपनी इस नई यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्रिय, मैं देख पा रहा हूँ तुम भावनाओं से ओतप्रोत हो रहे हो। कभी चिंता रूपी सागर में डूब कर आंसुओं से खुद को भिगोते हो, तो कभी अपनी कल्पना शक्ति से
उत्पन्न हो रहे स्वप्न को देखकर प्रसन्न से उत्सुक हो जाते हो। ऐसा क्यों? मैं तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुन ली है, इसीलिए आज मैं तुम्हें भौतिक बंधनों से परे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की क्षमताओं के विषय में बताऊंगा। इससे पहले भाग्यशाली अंक 777 लिखे, क्योंकि यह बहुत भाग्यशाली है इस वर्ष का अंक, और अपनी कोई भी इच्छा तुरंत प्रकट करें। मेरे प्रिय, तुम जिस संसार में जी रहे हो वह परम ब्रह्मा की बस एक कल्पना मात्र है। जिस प्रकार तुम हर रात्रि स्वप्न को देखते हो, किंतु तुम वह स्वप्न जागृत अवस्था में नहीं देखते हो, इसीलिए उसकी स्मृतियां तुम्हारे मस्तिष्क पर धुंधली होती है। किंतु परम ब्रह्मा जागृत अवस्था में जो सपना देखते हैं वही इस सृष्टि के संचालन का मूल्य है। यहाँ सब कुछ कल्पना ही है। तुम अपने जिस भौतिक शरीर को इतना अधिक महत्व दे रहे हो उसे अत्यधिक शक्तिशाली तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जागना होगा। अब इस गहरी नींद से जागो, स्वयं को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यदि यह संदेश आपके पास पहुंचा है इसलिए 3 बार परमेश्वर को धन्यवाद लिखे। जिस प्रकार परम ब्रह्मा अपनी कल्पना से अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण या विसर्जन एक क्षण में ही कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार उनकी संतान अर्थात तुम अपने भौतिक शरीर में रहते हुए भी इस संसार की किसी भी वस्तु को अपनी कल्पना से निर्मित कर सकते हो। जितने भी विज्ञान आविष्कार हुए हैं वह किसी न किसी व्यक्ति की एक कल्पना थी। तुम जो भी कल्पना कर सकते हो उसे एक क्षण में प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न यह उठता है कि यदि कल्पना मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो परीक्षण की क्या आवश्यकता? यह प्रश्न व्यक्ति के मस्तिष्क में इसलिए उठता है क्योंकि 99% लोग यह विश्वास से ही नहीं कर पाते कि उनकी कल्पना मूर्ति रूप एक क्षण में धारण कर सकती है, क्योंकि जन्म से ही यही बताया गया है कि आपको परीक्षण से ही कुछ भी मिल सकता है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति में यह ज्ञान जागृत हो जाता है उसको वस्तुओं का लोभ ही नहीं रहता। तुम किस बात की चिंता करते हो? किस बात का शोक करते हो? कोई प्रयोजन जब अपने भौतिक शरीर को छोड़कर चला जाता है तो तुम वर्षों तक विलाप करते हो। किंतु मेरे बच्चे, उनका केवल भौतिक शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। तुम्हारे प्रियजन इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म लोक में जाते हैं। यदि तुम अपने सूक्ष्म शरीर से जागृत अवस्था में जुड़ पाओगे तब उनसे भेंट भी कर सकते हो।
किंतु माया में लिप्त अधिकतर लोग भौतिक शरीर में ही अपना अधिकांश जीवन और अधिकांश समय व्यतीत कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर के 3 मुख्य शयन हैं, जिनमें से सबसे निचले स्तर का शरीर सूक्ष्म शरीर अर्थात भौतिक शरीर आता है। व्यक्ति इसी को पूर्ण सत्य मानकर विलाप करता है, किंतु जब भी किसी मृत्यु होती है तो केवल उसका स्थूल शरीर मरता है, उसकी 2 बाहें शरीर जीवित ही रहते हैं। मेरे बच्चे, समय आ गया है जागृत अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ने का। तुमने कई बार अपनों के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा की है। परमात्मा का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए आरती पाठक चैनल को शीघ्र सबसे पहले सब्सक्राइब करें। किंतु अब तुम्हें जागते हुए अपने स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को पहचानना होगा। यदि तुम बस इतना कर लो, कब जन्म और मृत्यु का जो ब्रह्म तुम्हारे मन में है वह खत्म हो जाएगा, आत्मा के अमर तत्व का ज्ञान होगा और तुम सुख दुख की जी नौका में तैर रहे हो उससे निकल जाओगे। तुम्हारा भय, शोक, निराशा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। क्या तुम जागृत अवस्था में अपने स्थूल शरीर से सुखमय शरीर में जीना चाहते हो? यदि हाँ, तो अपनी वह व्याकुलता मुझसे प्रकट करो और मेरे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करो। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।